बेस्ट क्रिएटर्स लैपटॉप्स इन 2021। तो यार अगर आप एज अ क्रिएटर काम करते हो या एज अ डेवलपर काम करते हो, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप और मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इतना कह देना चाहता हूँ यार, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2,00,000 है, आज हम इस प्राइस रेंज की बात करेंगे। एंड मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 90,000 से कम है, उसकी वीडियो मैंने पहले ही की हुई है, मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर अगर आपका बजट 1,10,000 तक हो जाता है, प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 तक हो जाता है, इस प्राइस रेंज में मैंने रखे हैं 2 लैपटॉप। ये दोनों लैपटॉप असूस की ओर से आते हैं, प्लस ये बहुत तगड़े लैपटॉप है। मैं बात कर रहा हूँ असूस रॉग सिट्रिक्स की, एंड मैं बात कर रहा हूँ असूस रॉग ज़ेब्रस G14 की। ये दोनों लैपटॉप आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, प्लस इन दोनों के जो स्पेसिफिकेशन है आपको बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। भाई अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीम करनी है, अगर आपने एनिमेशन करनी है, उसके बाद अगर आपने कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आप एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, एज अ डिवेलपर काम करना चाहते हो, आप इन दोनों लैपटॉप में से जो भी आपके बजट में सेट बैठता है या जो भी आपको सही लगता है, आप उस लैपटॉप की ओर चले जाना। अभी बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं असूस रॉग सिट्रिक्स G15 की। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं, इसमें आपको i7 भी मिल जाएगा 10th जनरेशन के साथ, i5 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। i5 का प्राइस थोड़ा सा कम होगा, i7 जो है वो आपको 90,000 के बजट में मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करूं, 16 GB रैम वेरिएंट जो है वो आपको मिल जाएगा 90,000 के बजट में, प्लस आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको 4 GB भी मिल जाएगा, 6 GB भी मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ, 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है, अगर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर पे काम भी करते हो, ठीक है। प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस आपको 90,000 से लेकर 95,000 के बजट में, जो मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, आपको 90,000 से लेकर 95,000 के बजट में असूस रॉग सिट्रिक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया असूस रॉग सिट्रिक्स के। अभी आगे बात करते हैं असूस रॉग ज़ेब्रस G14 की। तो डिस्प्ले की बात करूं, आपको 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको AMD राइजन 5 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8 GB रैम भी मिल जाएगी, 16 GB रैम भी मिल जाएगी, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1 TB SSD देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको GTX ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, RTX भी मिल जाएगा, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिलते जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूं, आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, ये 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, इसका प्राइस आपको 1,40,000 तक भी चला जाता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जो भी आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिए। अगर देखा जाए, लुक वाइज देखा जाए, तो यार असूस रॉग ज़ेब्रस G14 ज़्यादा लुक वाइज ज़्यादा आपको अच्छा मिल जाता है। प्लस उसके बैक साइड में ना आपको लाइटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो भाई अगर आप एज अ DJ काम करते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होने वाला है। उसके बाद अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, डेवलपर काम करना है, फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, स्कूल में चाहिए, यूनिवर्सिटी में चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, गेमिंग करना चाहते हो, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, आप सभी के लिए ये दोनों लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकते हैं। दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिल जाती है। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके अगर आपका बजट 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके अगर आपका बजट 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज में मैंने रखे हैं 4 लैपटॉप। ये 2 रखे हैं जिसमें आप गेमिंग कर सको, लाइव स्ट्रीम कर सको, वीडियो एडिटिंग कर सको एंड फोटो एडिटिंग कर सको। एंड 2 लैपटॉप रखे हैं अगर आपने एज अ प्रो काम करना है, एज अ प्रोफेशनल काम करना है, अगर आपने आर्किटेक्चर की स्टडी करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो, आप दोनों में कर सकते हो। मतलब जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने गेमिंग भी करनी है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, एज अ क्रिएटर भी काम करना है, यूट्यूब वीडियोज वगैरह करते हो उस पर भी काम करना चाहते हो, आपके लिए सबसे पहले बता देता हूँ। तो 2 लैपटॉप की बात कर लेने लगा, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 पर रखा है एसर प्रेडेटर को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं तो ये गेमिंग के लिए परफेक्ट है। एज अ क्रिएटर अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है आज तक का, आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो। एंड नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पर रखा है असूस टफ गेमिंग A15। इस पर भी अगर आपने गेमिंग करनी है, हाई ग्राफिक पे गेमिंग करनी है, प्लस भाई अगर आपने गेमिंग लाइव स्ट्रीम करनी है, उसके बाद अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो, आपके लिए ये दोनों लैपटॉप परफेक्ट हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा।
तो यार पहले बात करते हैं एसर प्रेडेटर की। डिस्प्ले की बात करो, 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करो 16 GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1 TB HDD देखने को मिलती है, प्लस 256 GB आपको SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको NVIDIA GeForce RTX 2060 मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ आपको 45 आवर्स का बैटरी मिल जाता है। प्राइस की बात करूं, पहले ये दिवाली फेस्टिवल में आपको 1 लाख के बजट में मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस आपको 1,30,000 के बजट में एसर प्रेडेटर देखने को मिल जाएगा। अभी नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पर मैंने रखा है असूस टफ गेमिंग A15। तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि IPS लेवल पैनल डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को AMD Ryzen 7 देखने को मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16 GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1 TB HDD देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको NVIDIA GeForce RTX 2060 मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बातों को 48 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ दिवाली फेस्टिवल में ये लैपटॉप आपको 92,000 के बजट में मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस ज़्यादा हो गया, आपको मिलेगा 1,15,000 के बजट में या 1,20,000 के बजट में। तो यार अभी मैंने आपको दो लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन बता दिए, तो इनको यार इस बजट रेंज में इसीलिए रखा बिकॉज कई बंदे होते हैं जिनको गेमिंग भी करनी होती है, लाइव स्ट्रीम भी करनी होती है, एज अ क्रिएटर भी काम करते हैं, यूट्यूब पे भी काम करते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह भी चलाते हैं, तो आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकते हैं। अभी बात करते हैं अगर आपने एज अ प्रो काम करना है, एज अ प्रोफेशनल काम करना है, आपके लिए मैं लैपटॉप बताने लगा हूँ। सीधी बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू पर यार मैंने रखा है असूस ZenBook Duo को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले तो आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिज़ाइन कलर वगैरह बहुत पसंद है। सेकंड डिस्प्ले की बात करूँ आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। अगर आप एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहते हो, ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आप लॉन्ग टाइम पर रख सकते हो एंड आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो अभी इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है। सेकंड डिस्प्ले की बात करूं आपको 12.6 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है, जो कि टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूं आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16 GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 1 TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आपको NVIDIA GeForce MX250 भी मिल जाएगा, 4 GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, 6 GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं, इसका प्राइस आपको 3 लाख के बजट तक भी मिल जाता है, मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए वो स्पेसिफिकेशन आपको इस लैपटॉप में मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं ये स्पेसिफिकेशन के साथ आपको 1,20,000 के बजट में असूस ZenBook Duo देखने को मिल जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा पे कर देते हो तो ग्राफिक कार्ड आपको तगड़ा देखने को मिल जाएगा, 4 GB मिल जाएगा, 6 GB मिल जाएगा, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन इंक्रीज होते जाएंगे। अभी नंबर वन की बात करते हैं। नंबर वन पर यार मैंने रखी है HP Spectre X360। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, बहुत प्रोफेशनल्स के पास या बहुत इंटरनेशनल क्रिएटर्स के पास आपको ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, एज अ क्रिएटर काम करना है, उसके बाद अगर आपने ऑफिस के रिलेटेड काम करना है, ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आपको 4K डिस्प्ले मिल जाती है जो कि टच स्क्रीन है। इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच 4K टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि HP पेन के साथ आती है, जिसके साथ आप यूज़ कर सकोगे। प्रोसेसर की बात करूं आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16 GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको GTX 1660 Ti 4GB मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूं आपको 40 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं आपको 1,20,000 के बजट में, मतलब ये स्टार्ट हो जाती है, इसका बजट रेंज 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है। इसका प्राइस भी आपको 2.5 लाख के तक भी पहुंच जाता है। जितने भी स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशन मतलब आपको चाहिए, आपको देखने को मिल जाएंगे HP Spectre X360 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन अभी मैंने आपको इन दोनों लैपटॉप्स के भी बता दिए। तो भाई अगर आप एज अ प्रो काम करते हो, एज अ प्रोफेशनल काम करते हो, कहीं पर आपने लैपटॉप को लेकर जाओगे, वो लुक बहुत सही होने वाली है। मैं सच बोलूँगा, जितने भी मैं आपको लैपटॉप बताऊँगा वो पूरे लोडेड होने वाले हैं। अगर आप पैसे खर्च लेते हो ना, तो आपके पैसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से 2 लाख हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है इस प्राइस रेंज में, मैं आपको सीधा बोलने वाला
हूँ कि आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है एप्पल मैकबुक 13 या एप्पल मैकबुक प्रो। अगर मैं बात करूँ एप्पल मैकबुक 13 की, वो यार M1 चिपसेट के साथ देखने को मिलती है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, बहुत तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ एप्पल मैकबुक प्रो की, मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आपने दोनों में से जो भी लेनी है आप ले सकते हो, बस आपने 16GB रैम की ओर जाना, उसके नीचे आपने नहीं जाना, 8GB की ओर मत जाना। इन फ्यूचर आपको मतलब चेंज करनी पड़ जाएगी, कोई उसका प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला। अगर आप 16GB की ओर चल जाते हो, आपका एक पैसा भी खराब नहीं होने वाला, जो कि आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो जाती है। उसके बाद हम बात करें, अगर आप 32GB की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। प्लस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ, जो एप्पल मैकबुक प्रो होती है वो बनी ही यार फॉर क्रिएटर्स के लिए, बनी ही डेवलपर्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, 3D एनिमेशन करनी है, कार्टून वगैरह ड्रा करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, यार आप सभी के लिए एप्पल मैकबुक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, स्टार्ट किया था हमने 90,000 से, ख़त्म किया हमने 2,00,000 के बजट तक। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक कर देना। अगर आप गले फॉलो लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चार्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।